तो आज है डे टू इन पुरी, तो पूरा दिन आज बारिश बारिश में ही गया। तो बारिश का मौसम में आएंगे तो बारिश तो मिलेगी, तो बाबू को रेनकोट पहना दिया और हम लोग सब ने छाता ले लिया। तो कभी बारिश हो रही है और कभी रुक रही है। फिर समुद्र का लहर भी बहुत बड़ा बड़ा आने लगा क्योंकि बारिश हुई ना, इसी वजह से वहाँ ज्वार भाटा चल रहा था पूरा एकदम। तो इतना अच्छा लग रहा था देखने में समुद्र, तो क्या बोले, और पूरा एकदम वेदर भी अच्छा हो रखा था। तो बहुत दूर चल के हम लोग गए थे सब घूमने के लिए समुद्र के साइड में। फिर बाबू ने एक नारियल पानी लिया, तो हम लोग, मैं भी थोड़ा सा टेस्ट की, बहुत मीठा था नारियल। तो उस साइड में तो मीठा होगा ही क्योंकि उधर बहुत आमदनी होता है नारियल का, तो होगा ही। फिर हम लोग ने छाना पोड़ा खाया जो उड़ीसा का बहुत फेमस है, आप लोग भी जाओ तो प्लीज़ ट्राई करना। तो दुकान में भी खाए थे, स्ट्रीट में भी खाए थे, दोनों ही टेस्टी लगा था। फिर रूम में आके हम लोग मुड़ी साने चौप मुड़ी, मामी ने साना, मेरे मामी है ये, तो वही खाए हम लोग क्योंकि आज बाहर में नाश्ता नहीं किया था बारिश की वजह से। तो वो लोग तीन, मतलब मामा और शांतनु और मेरे हस्बैंड ने बाहर में ही नाश्ता किया था, सिर्फ हम लोग तीन होटल में मतलब मुड़ी सान के खाएं। फिर हम लोग चल गए दोपहर के समय में तेरह पार्वन। तो अब अगर आप लोग पूरी जाओ तो तेरह पार्वन में बिरयानी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी था। मेरे हस्बैंड ने मटन बिरयानी लिया था तो वो इतना टेस्टी नहीं था, पर चिकन बिरयानी वाह वाह था, क्या बोले। फिर रूम गए, रेस्ट किए, फिर शाम के वक्त निकल गए बीच की ओर, फिर चाय बिस्किट खाया, फिर कॉर्न चाट इन्जॉय किया एकदम समुद्र का लहर देखते देखते, इतना मीठा था ना कॉर्न, तो क्या बोले आप लोग को। और बहुत देर बैठे रेस्ट किए, फिर ना फ़ोन ले जाना भूल गए जब हम लोग डिनर किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इसी वजह से, तो नहीं क्लिप ले पाए। तो हम लोग सुदीपा अन्ना घर में ही डिनर किए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे।